असंभव की कहानी शुरू होती है दो कैरेक्टर से, अर्जुन का कैरेक्टर जो एक कमांडो है, उनका इंट्रोडक्शन वगैरह सब होता है, फिर मेरा कैरेक्टर जो एक वनबी सिंगर हैं, नाइट क्लब्स में परफॉर्म करती हैं, स्टार बनना चाहती हैं, और मेरी कहानी शुरू होती है एक ट्रैक पे, उसमें इंटरकट्स में अर्जुन की कहानी जाती है, और कैसे ये दोनों बीच में स्विट्जरलैंड में मिलते हैं और कहानी प्रोसीड होती है। तो देयर इज़ अ लॉट टू डू, काफ़ी कुछ है करने के लिए। मैंने भी दो चार बार गन चलाई है, तो इट्स बिन आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने फुल एक्शन फिल्म कभी नहीं की है, और इस फिल्म में कोई भी रोमांस नहीं है, रोमांटिक गाना नहीं है, रोमांटिक सीन्स नहीं है, सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक कोई भी सिमिलैरिटी है उसमें, एक सेलिब्रिटी थी, मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिंगर थी, और उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और बॉबी ने कॉज की थी वो प्रॉब्लम्स, एंड इट इज़ अ ट्रॉमा ऑफ अ सेलिब्रिटी। इसमें मैं एक सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ, एंड इसीलिए जब मेरे को ये डील आती है कि स्विट्जरलैंड में जाके तीन शोज करोगी, बिना सोचे समझे मेरा कैरेक्टर ये डील ले लेता है, एंड इसी वजह से मैं फंस जाती हूँ, जिसकी वजह से जब अर्जुन से मिलती हूँ तो ये सब सॉल्व होता है। सो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक एन एस्पियोनेज थ्रिलर, सिमिलैरिटीज बिल्कुल नहीं है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेड प्लेइंग बोथ दीज सिमिलर येट डिसिमिलर कैरेक्टर्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक दिस म्यूजिक हैज़ ब्रिलियंट, दिस मूवी हैज़ ब्रिलियंट म्यूजिक, द म्यूजिक इज़ वेरी वाइब्रेंट, वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, टेक्नो काइंड ऑफ म्यूजिक है, एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस म्यूजिक इज़ इसमें रिदम बहुत है, रिदम का यूज़ बहुत है, percussion and beats and so that makes it very 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 you know party music kind of thing, and sare gaane bahut ek dusre se alag bhi hain, so that's very nice. Main apni kisi film se kuch expect nahi karti, ek bar mera kaam khatam ho jaye main samajhti hu baaki sab kismat pe chhodna chahiye, and so I just hope ki logon ko utna hi maza aayega is film ko dekhkar jitna mujhe maza aaya isme kaam karke, and I just hope for the best. We had a lot of cameras, yes. हर सीन में एटलीस्ट 7 कैमराज तो होते ही थे, तो मुझे हम लोगों को समझ में नहीं आता था कौन से कैमरा में देखें, इट वॉज लाइक, तो फिर हमने बोला छोड़ो हम एक्टर को ही देखते हैं, फॉरगॉट अबाउट द कैमराज, बिकॉज यू कुडंट बी बॉदर्ड कि कौन से कैमरा में कौन सा लेंस क्या फ्रेम, बट राजीव को मैं अभी तक कहती हूँ कि उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया था, क्योंकि जब मैं वापस आके नॉर्मली शूटिंग करती एक ही कैमरा था, तो बहुत डिजेक्टेड सा फील होता था, बट It was very interesting doing that, and puri film digitally ki gayi thi, music bahut alag hai film ka, so there were a lot of firsts in the film, which was very interesting.